प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपके घर में सब कैसे हैं? आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बाकी सब? अरे वाह, सब अच्छे हैं। अच्छा, मैं आज आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। कौन कौन तैयार है, हाथ उठाइए। अरे वाह, आप तो सब बड़े उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। तो सोचिए, मैं आज आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ, तो आप सब उनसे खूब सारी बातें करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका भालू दादा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं आपको किसी से मिलवाने भी आया हूँ। ये हैं बंदर भैया। भाई, हमें तो घूमना बड़ा पसंद है। आप सब बताइए, आपको घूमना पसंद है? सबको घूमना बड़ा पसंद है। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप अपनी छुट्टियों में? मासी के घर? ओके, बुआ के घर? नानी के घर? नानी के घर ही आज हम जाने वाले हैं, लेकिन बड़ी ही दूर। तो हमने तो बड़ी तैयारियां की है, क्यों बंदर भैया? हाँ हाँ भालू दादा, बड़ी तैयारियां की है हमने तो। तो आप बताइए, आप भी ऐसे ही चले जाते हैं या तैयारियां करते हैं? ओके, आप सब तैयारियां करते हैं। कैसी तैयारियां? ओके, आप अपने कपड़े पैक करते हैं, और क्या करते हैं? आप सब अपने खाने पीने की चीजें भी रखते हैं रास्ते में खाने के लिए, और वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं। तो आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी का आनंद लेंगे, जिसका नाम है आलू की सड़क। क्या नाम है? शाबाश, आलू की सड़क। तो एक बार बहुत समय पहले की बात है, भालू दादा कहीं पर जाने वाले थे। कहाँ? हाँ, अपनी नानी के घर, लेकिन बहुत दूर। अब इतनी दूर जाएंगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना? तो क्या क्या तैयारी करेंगे? हाँ, सबसे पहले खाने पीने की सोचेंगे। तो भालू दादा ने भी सोचा, क्या लेकर जाऊं, इतनी दूर जाना है मुझे तो। तो उन्होंने क्या किया, एक बोरा लिया जो कि आलू से भरा हुआ था। आलू से तो कितनी सारी चीजें बनती है ना? आलू की सब्जी, आलू का पराठा। शाबाश, तो उन्होंने बोरा लिया और अपनी कमर पर रख लिया और फिर चलने लगे। तभी आवाज आई, धप धप धप। लेकिन पता है क्या था, उनकी बोरी में तो छेद हो रखा था। तो अब क्या हुआ होगा, आलू नीचे गिरने लगे होंगे। तो जैसे ही वो जा रहे थे, तभी रास्ते में क्या आया, एक पेड़ आया, पीपल का पेड़, जहां पर बैठे थे हमारे बंदर भैया। उन्होंने भालू दादा से पूछा, अरे भालू दादा, कहां जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ। तब भालू दादा ने कोई जवाब ना दिया, बस वही आवाज आई उत्तर में, धप धप धप। और साथ ही आवाज आई, टप टप टप। टप टप किसकी आवाज थी भला? हाँ, आलू गिरते जा रहे थे भालू दादा के। अब भालू दादा तो चल दिए, लेकिन हमारे बंदर भैया, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा, है ना? तो अब बंदर भैया ने जैसे ही पेड़ से नीचे देखा, अरे आलू, तो भालू दादा आलू लेकर जा रहे हैं।
कोई बात नहीं भालू दादा, आपने मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो पता लगा सकता हूँ ना। और फिर ये सोचकर बंदर भैया पेड़ से नीचे उतर आए और खुशी से झूम उठे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी। तो इस तरह हमारे भालू दादा बड़ी खुशी से अपनी नानी के घर गए। अब आप मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए कि हमारे बंदर भैया कौन से पेड़ के ऊपर बैठे थे? पीपल के पेड़ पर। शाबाश। और जब वो चल रहे थे तो कौन सी आवाज आ रही थी? धप धप धप। और जब आलू नीचे गिर रहे थे? टप टप टप। तो सोचो, अगर वहां रास्ते में भालू दादा को पानी मिलता तो कैसी आवाज आती? शाबाश। छप छप छप। सब लोग साथ में बोलेंगे छप छप छप। तो अब आपके लिए भालू दादा और बंदर भैया एक बड़ी मजेदार गतिविधि लेकर आए हैं। आप सभी को किसी एक पेड़ का पत्ता लेना है, जैसे कि बंदर भैया पीपल के पेड़ पर बैठे थे, तो आपको भी किसी एक पेड़ के पत्ते का चित्र बनाकर लाना है। ओके बच्चों,